नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो रेल यात्रियों के लिए कुछ खबरें देखिए। अब 50 स्टेशनों पर खोले जाएंगे जन औषधि केंद्र, मिलेगी सस्ती दवाएं। रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी कुछ खबरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया है। दरअसल पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये केंद्र अभी देश के 50 स्टेशनों पर खोले जाएंगे, जिससे यात्रियों को बेहतर क्वालिटी की सस्ती दवाएं मिल जाएगी और यात्रियों को इसके लिए कहीं बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि मार्च 2024 तक देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या जो है बढ़कर 10,000 करने का सरकार का लक्ष्य है। जन औषधि केंद्र के जरिए सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाएं जो है स्टेशनों पर उपलब्ध करवाने की पहल से यात्रियों एवं स्टेशनों पर आने वाले लोगों को आसानी इसमें यहाँ पर होगी। वही ये यहाँ पर रोजगार बढ़ाने का भी एक अच्छा यहाँ पर साधन होगा। वही प्रथम चरण में देश के विभिन्न राज्यों में 50 रेलवे स्टेशनों को इसके लिए यहाँ पर चुना जाएगा। इसके बाद सभी बड़े प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। वही यात्रियों की सुविधा के लिए ये जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए। व्हाट्सएप यूएस को जल्द मिलेगा मल्टी अकाउंट फीचर, अब इंस्टाग्राम की तरह करेंगे काम। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप है। वह करोड़ों की संख्या में लोग इसके यहाँ पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, यानी करोड़ों की संख्या में लोग इसके यूजर्स है। वह यूजर्स की सहूलियत के लिए कंपनी जरूरत के मुताबिक नए नए फीचर अपडेट यहाँ पर लेकर आती रहती है। अब कंपनी एक नया फीचर पर काम कर रही है जो व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म को अब तक का सबसे बड़ा अपडेट माना जा सकता है। दरअसल बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप अब मल्टी अकाउंट लॉगिन फीचर को लाने की कोशिश में है। दरअसल व्हाट्सएप ने एक तरफ लोगों की लाइफ को काफ़ी आसान बनाया है। वह डेली रूटीन के कई जरूरी काम अब व्हाट्सएप पर ही हो जाते हैं। वह व्हाट्सएप अब पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर में भी बहुत ज़्यादा कारगर है। यही वजह से यहाँ पर कंपनी यूजर्स के अनुभव को बेहतर करने के लिए नए नए फीचर लेकर आती रहती है। वही कंपनी बहुत जल्दी ग्राहकों को मल्टी अकाउंट लॉगिन करने का फीचर दे सकती है। वही मल्टी अकाउंट फीचर से मतलब ये नहीं है कि आपको अपने फ़ोन पर अलग अलग व्हाट्सएप ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे, बल्कि आप एक ही व्हाट्सएप ऐप में मल्टी अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे। इसके लिए आपको बस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्विच करना होगा। जैसे इंस्टाग्राम में आप करते हैं वैसे आपको स्विच करना होगा। वह व्हाट्सएप के इस अपकमिंग फीचर की जानकारी जो है व्हाट्सएप के अपडेट्स पर निगरानी रखने वाली जो वेबसाइट है वहाँ बेटा इन्फो उसने ये जानकारी यहाँ पर दी है। बात अब बताते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है बड़ा ऐलान, वीआईपी गाड़ियों का सायरन अब होगा बंद, अब सुनाई देगी बांसुरी की आवाज। वीआईपी गाड़ियों में आमतौर पर अपने सायरन आपने यहाँ पर सुनाई होगा, लेकिन अब आवाज आपको इसकी यहाँ पर बदली हुई महसूस हो सकती है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी, वो अब वीआईपी गाड़ियों से सायरन हटाने की योजना पर काम कर रहे हैं। वही पुणे में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने फैसले का ऐलान यहाँ पर किया है। उनका कहना है कि अब सायरन को भारतीय वाद्य यंत्रों की आवाज में बदला जाएगा। इसमें बांसुरी, शंख और तबला की आवाजें सुनाई देगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी और ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बातें पुणे में चांदनी चौक पर फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान जनता को संबोधित करते हुए ये बात उन्होंने कही है। गडकरी ने कहा है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे वीआईपी की गाड़ियों से लाल बत्ती खत्म करने का मौका मिला है। अब मैं सायरन और हॉर्न की आवाज को बदलने की योजना पर काम कर रहा हूँ। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी देखिए। अब क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। अगर आप भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से रुपए क्रेडिट कार्ड को भीम ऐप से लिंक करने का जो फीचर है वो लाइव हो गया है। यानी अब आप रुपए क्रेडिट कार्ड को भीम ऐप से लिंक कर सकते हैं। आपके पड़ोस की किराना दुकान या फिर जो परचून की दुकान है उस पर यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। वह एयू के रुपए क्रेडिट कार्ड से अब आप बिल्कुल वैसे ही यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे जैसे कि आप बैंक अकाउंट से करते हैं। बस ये पैसे आपके रुपए क्रेडिट कार्ड से कटेंगे। बता दें आपको कि भीम ऐप पर अब आप 12 बैंकों के रुपए क्रेडिट कार्ड लाइव अभी यहाँ पर हो गए हैं और 12 बैंक ऐसे हैं जिनके रुपए क्रेडिट कार्ड को आप इस्तेमाल कर सकेंगे। वही साल 2022 में की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। वही रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई की सुविधा, बता दें आपको कि साल 2022 में क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई
सुविधा की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। अब पड़ोस की दुकान पर आप उस QR कोड स्कैन करके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए आप केवल मर्चेंट UPI QR कोड को स्कैन कर ही पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट आप पर या फिर ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट भी आप कर सकते हैं। वही P2P जैसे कुछ पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे। वही भीम के अलावा आप गूगल पे, फ़ोनपे और फ़ोनपे फ्रीचार्ज जैसे चुनिंदा UPI एप्स के कुछ बैंक अकाउंट के रूप में आप रुपए क्रेडिट कार्ड लाइव हो चुका है।